हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 7 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 8 जनवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर हैं वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट था कि 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है। तो ये जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये हाल ही में कटक में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर। तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए कि होपमैन कप किसने जीता है। तो उनका नाम है रोजर फेडरर, और इनके साथ एक और प्लेयर है जिनका नाम है बेलिंडा बैनकिक। इन दो खिलाड़ियों ने मिलकर हाल ही में होपमैन कप जीता है। और आपको इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में पता चाहिए, ये दोनों ही टेनिस प्लेयर्स हैं, और इन्होंने फाइनल्स में इस कप के लिए किसे हराया। तो उनका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एंजरिक करवर। तो इन्होंने फाइनल्स में इन दो खिलाड़ियों को हराया है। अब रोजर फेडरर और बेलिंडा बैनकिक, इन दो खिलाड़ियों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। देखिए, जो रोजर फेडरर है ये इनका तीसरा होपमैन खिताब है, और जो बेलिंडा बैनकिक है इनका ये दूसरा होपमैन खिताब है। इन दोनों खिलाड़ियों के पिक्चर में आपको जानती हूँ। देखिए, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है रोजर फेडरर, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है बेलिंडा बैनकिक। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। अगला करंट अफेयर आज का हमारा, किस देश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है एर्ना सोलबर्ग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। तो जो एर्ना सोलबर्ग है ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है एर्ना सोलबर्ग, जो कि हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। अब ये तो आप लोग को पता लग गया कि ये भारत आई हुई है, और भारत के अंदर ये नई दिल्ली में आई हुई है। पर ये भारत क्यों आई है? तो भारत में जो इंडो नॉर्वियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर भारत आई हुई है। अब क्योंकि ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर है तो आपको नॉर्वे के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो आपको मार्क्ड एरिया किया हुआ यहाँ पर नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वियन कोरान, और नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम आप लोगों को पता लगे एर्ना सोलबर्ग है वो। अगला करंट अफेयर है, किस मंत्रालय ने JNV, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है जवाहर नवोदय विद्यालय, उनके छात्रों की आत्महत्या पर निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो उस मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो है HRD मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। हाल ही में हमारे HRD मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, और इस टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया ताकि जो JNV है यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके जो छात्र आत्महत्या करते हैं उन पर निगरानी के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये तो आप लोगों को पता लग गया कि टास्क फोर्स का गठन किया गया, पर इसके अध्यक्ष कौन होंगे उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष है जितेंद्र नागपाल होंगे इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष। अब क्योंकि इस टास्क फोर्स का गठन HRD मिनिस्ट्री ने किया है, तो HRD मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है कि हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो वो राज्य है गुजरात। हाल ही में भारत के अंदर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में, यानी कि जब ये क्रिकेट स्टेडियम बनना शुरू नहीं हुआ था तब तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था। तो उस स्टेडियम का नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है।
और जो अब गुजरात में बनाया जा रहा है, जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है दुनिया का, इसमें लगभग 1,10,000 से भी अधिक ऑडियंस बैठ सकती है। अब गुजरात का नाम आया है तो गुजरात के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको और पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, कि गुजरात में ही दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये गुजरात में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मार्गदे यहाँ पर है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री वो है विजय रूपानी और गुजरात के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वो है ओपी कोहली यानी कि ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात के अंदर लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 182। और आपको गुजरात का फोक डांस पता होना चाहिए यानी कि लोक नृत्य वो है गरबा और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है गिर नेशनल पार्क। हमारा आज का अगला करंट अफेयर है कुंभ में यात्री सुविधाओं के लिए एनसीआर ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल ही में एनसीआर ने रेल कुंभ सेवा ऐप 2019 ऐप लॉन्च किया है। अब ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो यूपी के अंदर कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, उसमें जो यात्री पार्टिसिपेट करेंगे उनकी सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। और इस ऐप की मदद से क्या होगा कि जो यात्री वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कौन कौन सी ट्रेनें वहां पर उनको प्रोवाइड है यानी कि किस किस ट्रेन से वो यात्रा कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी मिलेगी उन्हें इस ऐप के थ्रू। ऐप का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ऐप का नाम है रेल कुंभ सेवा ऐप 2019। और इस ऐप की मदद से जो यात्री हैं उन्हें टिकट लेस ट्रैवलिंग करवाई जाएगी। और ये कुंभ मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूपी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यूपी के अंदर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यूपी के अंदर प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो उनका नाम है रानी, जिन्होंने हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रानी है इन्होंने कितने किलोग्राम वर्ग में ये चैंपियनशिप को जीता है, तो 78 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज की गई थी। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और रानी के बारे में आपको पता है जी, देखिए जो रानी है ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की 5वीं भारतीय रिजर्व बटालियन की महिला हेड कांस्टेबल है जिन्होंने हाल ही में ये चैंपियनशिप भी जीती है। अब क्योंकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल आप लोगों को पता ही है अमरावती है और चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू और जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर वो है ई एस एल नरसिम्हा और लोकसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 25, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 175। और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है कुचिपुड़ी और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि टाटा ओपन महाराष्ट्र में एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर टेनिस खिताब किस जोड़ी ने जीता है। तो जोड़ी का नाम है रोहन बोपन्ना और द्विज शरण, इन दो खिलाड़ियों ने हाल ही में एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन का जो टूर टेनिस खिताब है वो जीता है। और आपको पता चाहिए इन दो खिलाड़ियों ने फाइनल्स में किसे हराया है, तो फाइनल्स में इन्होंने ल्यूक एम्ब्रिस और जोनी ओमेरा को हराया है, इन दो खिलाड़ियों को इन्होंने फाइनल्स में हराया है। अब रोहन बोपन्ना और द्विज शरण इन दो खिलाड़ियों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें नोट कीजिए। देखिए जो रोहन बोपन्ना है ये इनका 18वां एटीपी टूर खिताब है, पर जो द्विज शरण है ये इनका 4था एटीपी टूर खिताब है। एटीपी के बारे में नोट कीजिए, एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एटीपी का, तो एटीपी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। और एटीपी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है क्रिस करमोड और ये एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर जो टेनिस खिताब है इसके लिए चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में ये चैंपियनशिप हुई थी। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर तो देखिए ये जो आपको दो पिक्चर में दिखाई दी ये है ये दोनों खिलाड़ी जिनके नाम मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288। और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है पवारी नाच और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला करंट अफेयर है आज का हमारा,
अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये हाल ही में इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। गुजरात के अंदर कहाँ? तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में इसकी शुरुआत की गई है इस महोत्सव की। और ये महोत्सव कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस महोत्सव में लगभग 45 देशों के 150 से अधिक पतंगबाजों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे भारत के ही लगभग 13 राज्य के लगभग 500 से अधिक पतंग उड़ाने वाले लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में। अब क्योंकि गुजरात में ये ऑर्गेनाइज किया गया तो गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए था, पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने गुजरात के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने WSHG यानी कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा ने वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के लोन देने की घोषणा की है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जा सकता है। और इस पहल से लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ होगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और उड़ीसा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147। उड़ीसा का फोक डांस क्या है? तो घूमरा, छऊ और उड़ीसी, ये उड़ीसा का फोक डांस है। और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये महोत्सव नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये महोत्सव क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्हें भारत की संस्कृति और भारत की कला में रुचि दिलाने के लिए इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव को। और ये महोत्सव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये महोत्सव भारतीय संगीत सदन और श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 71 वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है? तो उस देश का नाम है भारत। हाल ही में हमारे भारत ने 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज जीती है। और इस टेस्ट सीरीज को जीतने के साथ ही हमारा जो भारत है वो ऐसा पहला एशियाई देश बन गया जिसने इस टेस्ट सीरीज को जीता है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में से देखा जाए तो हमारा भारत ऐसा 5वां देश है जिसने इसे टेस्ट सीरीज को जीता है ऑस्ट्रेलिया में। और इससे पहले 4 देश कौन से हैं ओवरऑल वर्ल्ड में से? तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा देश है वेस्ट इंडीज, तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका और चौथा देश है न्यूजीलैंड। और हमारे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराया है? तो 2-1 से हराया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को। अब क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के सुल्तान जिनका नाम है मोहम्मद पंचम, उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी है? और मोहम्मद पंचम की राजगद्दी छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये ऐसे पहले सुल्तान बन गए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपनी राजगद्दी को त्याग दिया। उस देश का नाम आपको बताना है कि ये किस देश के सुल्तान है? तो मोहम्मद पंचम ये मलेशिया के सुल्तान है जिन्होंने हाल ही में अपनी राजगद्दी को त्याग दिया है। और ये ऐसे मलेशिया के पहले सुल्तान है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपनी राजगद्दी को त्याग दिया है। अब क्योंकि मलेशिया के सुल्तान है तो मलेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है क्वालालंपुर और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है महाथिर मोहम्मद और मलेशिया की करेंसी है रिंगित। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मलेशिया के बारे में नोट करनी थी। और जो इसके सुल्तान थे उन्होंने तो अपना पद छोड़ ही दिया है, तो जब नए सुल्तान अपॉइंट होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मलेशिया के बारे में नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 8 जनवरी की करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का क्वेश्चन है आपका कि रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किसने जीता है? उनका नाम इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।